चलिए गुड मॉर्निंग। बोले थे कि आज से सारा बैच पढ़ाएंगे, लेकिन आज याद आया कि आज संडे है। छुट्टी में तो पता नहीं चलता है कि आज संडे है कि मंडे है। कल से सारा बैच चलेगा। कोरोना का कहर अभी थम नहीं रहा है, तो जाहिर है कि लॉकडाउन का स्थिति हो सकता है कहीं अभी बढ़ेगा ही। तो इसी के देखते हुए जब सुविधा है तो बैच सबके सब पढ़ाते हैं। कुछ बैच तो चल ही रहा था, कुछ बैच तो चल ही रहा है, कुछ बैच नहीं चल रहा था, तो वो सारे बैच को ही रेगुलर कर देते हैं। यदि कुछ अच्छा होता है तो कहीं कोरोना का कहर जल्दी ये हो जाए, समाप्त हो, तो बैच भी जल्दी खुलेगा। अब देखिए आगे क्या होता है, कोई जानता तो अभी है नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि आपको एक महीना तो लगभग, मान लिया जाए कि लॉकडाउन स्थिति रुकता भी है तो ऐसा थोड़ी है कि तुरंत आपको कोचिंग खुल जाएगा, तो कम से कम एक महीना तो अभी बंद रहेगा ही। तो बेहतर है कि अब पढ़ाई बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है, और जब हमारे पास सुविधा है, आपके पास भी सुविधा है, स्मार्टफोन है, तो पढ़ाई अब ओपन करते हैं सारे बैच का। तो ये सूचना तो अभी सूचना आपको फेसबुक पर भी चला जाएगा, टेलीग्राम पर भी चला जाएगा, यूट्यूब पर भी चला जाएगा, कोचिंग का एप्लीकेशन है उस पर भी चला जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और है कि छुट्टी में सब लोग का नेट खर्च होता है, तो नेट को भी बचा के रखिएगा। जो मान लिया जाए कि मॉर्निंग में जिनका बैच है 7 बजे 8 बजे 9 बजे, ये सब तो चलता भी है, लोग अभी पढ़ने के आदि हो गए हैं, लेकिन जिनका इवनिंग में बैच है 5 बजे है, जिनका बैच 6 बजे है, तो ऐसा नहीं कि दिन भर में अपना नेट समाप्त कर लीजिए, आप लोग बचा के रखिएगा। 40 मिनट पढ़ने के लिए नेट भी अपना बचा करके रखिएगा। तो कल से सारा बैच चलेगा, यही सूचना देने के लिए रिकॉर्डिंग वीडियो का किया गया है। सोचे कि पहले सूचित कर दें हर जगह, कि हो सकता है कुछ लोगों को पता नहीं हो और क्लास चलते चला जाए। और 2 जगह लाइव चलेगा, एक चलेगा यूट्यूब पर और एक कोचिंग का जो एप्लीकेशन है उस पर भी लाइव चलेगा। आप अपना यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं लाइव, या कोचिंग का जो अपना एप्लीकेशन है उस पर भी लाइव चलेगा। एप्लीकेशन ओपन करिएगा तो सबसे ऊपर वाला जो वीडियो होता है, तो सबसे ऊपर में वीडियो आपको दिखता है, वो लाइव के लिए, जो क्लास लाइव चलते रहेगा वो ऊपर वाला वीडियो चलेगा। तो सबसे फर्स्ट वीडियो जो चलता है वो लाइव के लिए बना हुआ है, तो जो बैच लाइव चलते रहेगा वहीं ऊपर के वीडियो में आपको चलते रहेगा। तो आप एप्लीकेशन से भी लाइव अपना देख सकते हैं, नहीं तो फिर यूट्यूब तो है ही, यूट्यूब से लाइव देखिएगा। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।